हरे कृष्णा राधे राधे। तो बहुत से भक्तों के सवाल आ रहे हैं, दीदी आपने ये जो घड़ा लगाया है तुलसी मैया के ऊपर, तो क्यों लगाया है? वैसे मैं इस बारे में बता चुकी हूँ पहले, लेकिन फिर बताती हूँ। ये जो हमने घड़ा लगाया हुआ है तुलसी मैया को गर्मी से बचाने के लिए लगाया हुआ है। तो आपके मन में अभी विचार आ रहा होगा कि इस घड़े से माता रानी को गर्मी से राहत कैसे मिलेगी। तो इस घड़े में एक छेद है और छेद के द्वारा ही जल माता रानी के ऊपर जाएगा, इसमें जल भरा जाएगा घड़े में। सुबह जब आप उठें तो जब पूजा करें, जल अर्पित करें मैया को, तो इस घड़े में जल जरूर भरें। आप बड़ा घड़ा भी रख सकते हैं। मैंने छोटा इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे मौसम बरसात वाला रहता है, कोलकाता में ज़्यादातर मौसम अच्छा रहता है इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी है तो आप बड़ा घड़ा भी रख सकते हैं, जिससे घड़े का पानी धीरे धीरे करके माता रानी को टपकेगा और दिन भर चलेगा। शाम के 4 बजे के बाद हटा लिया जाता है पानी को, लेकिन 4 बजे तक आप लगा सकते हैं। तो बस यही कारण है कि मैंने घड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। आप तिपाई रख के भी घड़ा लगा सकते हैं, और जैसे मैंने बांधा हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ रेलिंग है तो रेलिंग मैंने बांध दिया, बस आप भी कर सकते हैं जैसे शिवलिंग में किया जाता है, और माता रानी को गर्मी से राहत मिलती है। राधे राधे।